Hey everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ मोहित और आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं ये हेलमेट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं. ये मेरा अनबॉक्सिंग नाइफ, इसको मैंने फोल्ड कर लेते हैं. Yes, this is my unboxing knife और ये है हमारा box. इसको पीछे से पैक है. बस इतना ही सर. हाँ, मैं पहली बार बता देता हूँ, ये हेलमेट मैं एक महीने से यूज़ कर रहा था. मैं एक महीने पहले खरीदा था मैंने इसको. मैं यूज़ कर रहा हूँ अच्छे से. बस वीडियो पे मैंने इसको फिर पैक किया, टेप पे लगा के. तो सब लोग कमेंट मत करना कि हेलमेट पे धूल वूल लगा हुआ है, क्योंकि इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ, तो ये है SMK का स्टेलर. अभी इसे हम खोलेंगे. बहुत पैकिंग बहुत अच्छी है. और मुझे सबसे ज़्यादा जो खास बात लगी वो है इसके साथ जो बैग आता है इस हेलमेट के साथ. ये कवर है इसका, हेलमेट कवर है. तो इसको आप ऐसे कैरी भी कर सकते हैं, मतलब ये बैग भी बन जा सकता है. अगर आपको इसका हेलमेट नहीं रखना है, अपना कुछ बुक्स वुक्स रखने, अगर आप कॉलेज जाते हो तो आप उसमें वैसे कैरी कर सकते हो, या सिंगल वाला भी ऐसे बैग जैसे बना के घूम सकते हो. तो अच्छा है. और इस बॉक्स को फिलहाल टेबल बना लेते हैं. ये है बैग, या इसका कवर बोल सकते हो आप. इसे कई सारे हम खोलेंगे, देख रहे ना भाई साहब. आप तो इसे हम अनपैक करते हैं. ये है हेलमेट स्टेलर SMK. और ये इसका बैग जो इतना छोटा हो जाता है, तो आप पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो जब आप हेलमेट पहनोगे, या बाइक में भी रख सकते हो. तो ये बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी. ये रबर प्रिंट है इसके ऊपर. ये SMK की ब्रांडिंग है फिर से. तो थोड़ा अच्छा है. बस देखते हैं, बैक स्क्वायर है, जैसे साइड में रखते हैं. ये वो हेलमेट, ये मैंने आगे का स्टिकर संभाल के रखा था ताकि मैं वीडियो में खोल सकूँ इसे. पास लाके खोलता हूँ मैं. इसका जो ये है, ये है और ये खुला ऐसे. वाह, ये भी अच्छा है. इसको भी संभाल के रखें. तो ये 4300 का हेलमेट है. इसमें प्राइस लिखी है. वैसे भी ये हेलमेट मैंने खरीदा बैकर्स मॉल से, जो थाने में ही है, कैडबरी. अगर आपको पता है तो वहाँ पे एक है शॉप. तो ये हेलमेट बहुत ही, मतलब उतना हेवी नहीं है जितना दिख रहा है. मतलब लाइट वेट हेलमेट है वैसे तो ये, क्योंकि मेरा पहला हेलमेट जो था वो ये है. वेगा का हेलमेट यूज़ कर रहा था यार. देखो यूट्यूब, तो वेगा का हेलमेट यूज़ कर रहा था. यहाँ पे मैंने माउंट वगैरह लगाई थी. बट ये बहुत, मतलब हिलता रहता था हेलमेट. जैसे अगर आप बाइक चलाओ, पहले मुझे इतना फील नहीं होता था, बट जब ये हेलमेट यूज़ करने के बाद मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे पता चल रहा है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा हेलमेट है. और ये बहुत टाइट हो जाता है, ये हिलता नहीं होता ज़्यादा. तो ये बहुत हिलता रहता है. वैसे पहन के दिखाओ ऐसे, देखो मतलब बहुत ज़्यादा हिलता है ये हेलमेट. शायद ये पुराना हो गया हो इसलिए इसका स्पंज वगैरह लूज़ हो गया हो, ऐसा भी हो सकता. बट अभी पता नहीं, जब तक ये मुझे मतलब नया लिया था तब तक बहुत अच्छा था. तो टाइम के साथ तो सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने लिया ये वाला हेलमेट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. ग्राफिक्स वगैरह अच्छा है, हर तरफ इसके SMK की ब्रांडिंग है. यहाँ पे पीछे, फिर से यहाँ पे. तो और इसकी जो खास बात यह है कि इसमें आगे ये पिन लॉक वाइज़र है. मतलब पिन लॉक वाइज़र नहीं है, पिन लॉक ये जो अलग से अंदर जो आपको दिख रहा है, एक मिनट, हाँ मैं दिखा सकूँ, अंदर आपको दिखेगा. ये एंटी फॉग होता है, मतलब हर एक हेलमेट में नहीं आता है, या किसी किसी में जो वाइजर आता है वो पिन लॉक रेडी वाइजर आता है. पिन लॉक रेडी मतलब उसके अंदर आप ये अलग से लगा सकते हो, और किसी किसी में वो आता ही नहीं है. तो आपको पूरा वाइजर नया नया लगाना पड़ता है, फिर उसके अंदर वो पिन लॉक रेडी वगैरह सब लेना पड़ता है. तो बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंटरकॉम वगैरह की जगह है, बट मेरे पास, मैंने इंटरकॉम लगा के रखा है. इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बाद में. ये मैंने है, ये सेना का S3 है शायद, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. जब उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब डिटेल में बता दूंगा. और ये मैंने यहाँ पे लगा के रखा है. और बस स्पंज बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, हर एक मतलब बहुत कंफर्टेबल हेलमेट है ये जैसे आप देखोगे. तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये हेलमेट. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया. अगर आपको भी चाहिए तो आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो. ऑनलाइन तो आपको इंस्टॉलमेंट वगैरह पर भी मिल जाएगा.
या मैं एक और शॉप का नाम बताऊंगा, मैं देखता हूँ डिस्क्रिप्शन में जो जहाँ पे शायद आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। तो मेरे लिए मैंने एक्सेल वाला साइज यूज़ किया है, मतलब आप भी थोड़ा ना जो आप लोगे हेलमेट को थोड़ा टाइट वाला ही, मतलब आपको टाइट बैठना चाहिए जैसे मैं दिखाता हूँ। हाँ तो थोड़ा टाइट है हेलमेट, तो आगे जाके थोड़ा लूज हो जाता है, मतलब अगर आप एक महीना यूज करोगे तो उसमें थोड़ा लूज होने लगता है। जब मैंने लिया और ज़्यादा टाइट था, अभी थोड़ा लूज हो गया, मतलब अभी परफेक्ट बैठ रहा है। तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा हेलमेट मिला है, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें वेंट एरिया भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे ऊपर भी है, और ये फिर बाहर हवा थोड़ा निकलने के लिए यहाँ पे पीछे भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलना, और कमेंट भी करना आपको और क्या क्या जानना है इस हेलमेट के बारे में, या जो भी आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ और लोग देखेंगे तो मैं वीडियोस बना बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।